हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू द माय चैनल। और अब हम ना रेडी हो रहे हैं, हम सब रेडी हो गए हैं कि अब हम जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं ये आप पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने। मम्मा हाय, बाय बाय बाय। हम जा रहे हैं दूसरे गांव। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और मैं आपको अब बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ आए हैं और किससे घर में हैं। तो ये जो घर है वो मेरे मामा और मामी का घर है। चंदू ने क्या क्या खाया भाई बता। चंदू ने मिठाई खाई, नमकीन, गुड्डे और जूस पियो और आई कुछ नहीं। अरे मिठाई नहीं खाई, खाई कौन सी वाली? वाइट और ब्लैक। इसको तो भाई इसके तो मजे थे, इसने अब बहुत कुछ खा लिया, मिठाई मिठाई सब खा ली इसने तो, है ना। देखिए तो चाय वगैरह पी ली हमने, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और उसके बाद होता है ना चलो घूम के आते हैं। तो मेरी नानी के घर के पीछे ना बहुत बड़ी राची है, तो मैं वहाँ आ रही थी राची में घूमने के लिए कि चलो देखते हैं कैसी राची है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, बैक कैमरे से दिखा रही हूँ कि कितनी बड़ी है और बहुत दूर तक फैली हुई है ये राची। जब हम बहुत छोटे थे ना तब आया करते थे, जब हमारी मतलब मेरी नानी थी ना यहाँ पे तब हम आया करते थे यहाँ पे। और मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मैं शायद बहुत ज़्यादा छोटी थी तब आई थी यहाँ पे, तो मुझे इतना कुछ खास याद नहीं है अपनी नानी के घर का। बस ये याद है कि उनके घर के पीछे गाछी थी बहुत बड़ी, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं है। तो इसलिए स्पेशल मैं इस बार आई हूँ, मैंने सोचा गाँव आ रखी हूँ तो एक बार ज़रूर अपने मामानी का घर घूम के आऊँ ताकि चीज़ें याद रहें। मेरी बचपन का तो मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो ये देखिए कितनी बड़ी राची है और पूरे तरफ बांस के आम के ही पेड़ हैं और ये देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत है ये नज़ारा। और फिर अब आजकल तो वैसे भी ना चीज़ें कम होती जा रही है, पहले ये बहुत ज़्यादा भरी हुई थी राची जैसा कि मामी और दीदी बोल रही थी और यहाँ से रास्ता भी था, लेकिन अब जो है वो कम हो रही है। मामानी खुद ही कह रही थी कि राची पहले से आधी हो चुकी है, तो चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म ही होती जा रही हैं। और यहाँ पे ये देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, तो ये जितनी भी बकरी आपको दिख रही है ना ये मेरी मामानी की है। और ये देखिए ये मेरी मामानी है जो पत्ते तोड़ रही है। हमारे में मामी को मामानी कहते हैं गाँव में, और हम लोग इन्हें बचपन से ही मामानी कहते हैं, मामी नहीं बोलते हैं तो हमें आदत हो रही है मामानी बोलने की। मामी बोलते हैं ना तो थोड़ा अब अजीब लगता है हमें। तो ये हमारी मामी है और यहाँ पे मामी ना पत्ते दे रही है बच्चों को तोड़ तोड़ के, और ये लोग बकरी को खाना खिला रहे हैं। और यहाँ पे जितनी भी बकरी है 3 4 5 है शायद, 5 थी, और तो ये 5 बकरी जो है वो हमारी मामानी की ही है। तो बच्चे कहीं भी जाते हैं ना उनको गाय बकरी दिख जाती है ना वो इन्हें खाना ज़रूर खिलाते हैं। और उसके बाद हम सब घर पे आ गए थे और हम सब ने खाई मिलके आइसक्रीम। मौसम था गर्म और धूप में आइसक्रीम खाने का ना मज़ा ही अलग होता है गर्मी के टाइम पर। हम सब ने आइसक्रीम खाने के बाद ना हम सब फिर से आ गए थे रांची में, अंदर तक घूमने आ गए थे रांची में। उस समय तो हम अंदर नहीं गए थे तो इस बार और अंदर गए थे कि चलो और देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने जो बोला था ना वो क्लियर सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी पूरे वीडियो में। और हम लोगों ने अंदर तक जाची रूमी है, बच्चे भी थे
तो सारा पूरा घूम के आए हम, कैसा है कहाँ पे कौन से पेड़ है, सब कुछ घूम रहे थे। और हमें यहाँ पे घूमते घूमते मैं बता नहीं सकती बहुत देर हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था हमें यहाँ घूमते घूमते। और उसके बाद ममानी जो है वो हमें बुला रही थी कि आ जाओ खाना खा लो, आ जाओ खाना खा लो। खाना बन चुका है, बच्चों को भी भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, पर सब घूमने में बिज़ी हो रखे थे। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर जा रहे हैं। अब हमने खूब रांची घूम ली है, बहुत अच्छे से घूम ली है रांची, और ना शाम भी हो गई है घूमते घूमते। चलो चलते हैं, सब आ रहे हैं। बस अब हम लोग पहुँच रहे थे घर, और यहाँ पे जो है वो मामी की बेटी ने भुजिया चढ़ा रही थी, आलू की भुजिया, और यहाँ पे पापड़ तिलौरी वगैरह बना रखा था, बच्चों के लिए भुना था स्पेशल। और फिर यहाँ पे सारे बच्चे आराम से खा रहे थे चावल दाल पापड़ तिलौरी। और ये था मेरा खाना, चावल दाल पापड़ तिलौरी आलू की भुजिया, और भी चने की सब्ज़ी थी और एक और सब्ज़ी थी। और खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत घूमा इधर उधर गए, और उसके बाद हम लोग निकल रहे थे वापस, क्योंकि शाम हो रही थी और मामी बहुत कह रही थी रुक जाओ, बट हम लोग आ रहे थे, बस उनसे मिलना ही था तो मिल लिए थे। और हम वापस जा रहे हैं घर, दीदी के घर जा रहे हैं, क्योंकि हम बड़ी दीदी के घर से ही आए थे यहाँ पर, तो वापस जा रहे हैं स्मिता दीदी के घर। और इस समय ना सूरज देखो ढल रहा है, शाम के मेरे यहाँ से 6 बज रहे होंगे, और सूरज इतना सुंदर लग रहा था ढलते हुए, लाल लाल हो रखा है, एकदम लाल रंग का सूरज हो रखा था, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सूरज। तो मैं यहाँ पे मैंने बहुत कैप्चर किया है कि सूरज को कैप्चर करूँ, आपको दिखाऊँ कि कितना प्यारा लग रहा था सूरज भी, और इस टाइम का व्यू भी इतना प्यारा था। थे घर, और आते हुए हमने केक भी ले लिया था, क्योंकि बच्चों का मन हो रहा था कि केक खाना है केक खाना है, तो ज़रूरी तो ऐसा है नहीं कि केक के लिए स्पेशल ओकेज़न ही चाहिए, बस मन हो रहा था तो हम सभी के लिए यहाँ पे केक लेके आ रहे थे। और यहाँ पे बच्चों ने फिर केक कट किया और खाया। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे कर रही हूँ, एंड आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ एक और वीडियो में।